वेलकम आप सबका एक बार फिर अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वेलकम होने लग रहा है 4 बजे चाय के साथ। एक साइड ने मैंने चाय है वो चढ़ा दी है और अनीता और सविता जा रही है एक छोटी सी ट्रिप पे, एक दिन की ट्रिप पे। वो तो आपने देख भी लिया होगा कहाँ जा रही है। वो जा रही है बाबा खाटू श्याम जी के। खैर वो अपनी ट्रिप है वो अच्छे से पूरी करके आएंगी, तब तक हम अपना काम है वो कर लेते हैं। तो अभी 4 बज गए हैं तो मैंने सोचा पहले मैं बना लूं चाय, थोड़ी बहुत चाय, क्योंकि बालक हैं वे भी बहलाना जरूरी है, क्योंकि अश्मी और ज्ञान जा रहे हैं। तो इन दोनों ने सोची थी, यंसु और यश ने सोचा था कि आज हम घर पे है ना फुल मस्ती करेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो ये दोनों नहीं गई। खैर 4 बज चुके हैं और आज मैंने सुबह 4:30 बजे से उठ के 1 बजे तक घर का सारा काम वो अच्छे से निपटाया है, क्योंकि वही है कि डीपली क्लीनिंग आज मैंने करनी थी तो मैंने कर दी है डीपली क्लीनिंग। वो आएंगे जब घर है वो एकदम से चकाचक मिलेगा। और बस 4 बज गए तो अब थोड़ी देर बाद मेरा खाना पीना का वो टाइम है वो भी हो जाएगा, क्योंकि आज खाना मन नहीं बनाना सर, रोटी भी और सब्जी भी। तो मैं सोच रही हूँ अपनी पहले से तैयारी कर लूं, फिर 10:30 बजे तक वो आ जाएंगी, फिर उनके साथ गपशप भी करना जरूरी है, पूछना भी जरूरी है। तो बस वो आ जाएंगी, पहले मैं पी लेती हूँ चाय। मोंटी है, इसकी छुट्टियां हैं जो समर हॉलीडे वो अभी तक नहीं हुई हैं, और ये स्कूल में से आते ही लेट गई थी क्योंकि इसका जो सिर में दर्द है वो हो रहा है। आपको पता है इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी बहुत देर पैदल भी चल का आवे तो इसका जो सर में दर्द वो हो रहा है। इसने ड्रेस भी चेंज नहीं की, बोली बस मैं एक बार लेटूंगी, मैंने लेट जाने दो क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से जी है वो भी घबरावन लग रहा है। तो मैंने सोचा चल बेटा तू लेट जा, बाकी वे दोनों भाई से अपना टीवी में आज फुल इंजॉय करने लग रहे है ना। हेलो तो बोल दो, हेलो आज ये हेलो हेलो कुछ को नहीं बोलना, बस आज ये अपना ये टंग टंग मन मन पता नहीं कह के ही यही दिखावेगा। टाइम हो लिया था 5 बजे का, मोंटी है वो भी उठ ली थी, चाय पानी मैंने बनाया तो मोंटी थी भी दे दिया था मुझको, बेटा थोड़ा बहुत से वो ले ले फिर तेरा जी से वो भी ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द है वो भी सही हो जाएगा, कई कई बार हो भी जाया करे तो चाय तो ठीक हो जाया करे। खैर फिर ये चाय पानी पी कर नहा धो के और फिर ला गई थी सब्जी कटवाण के लिए, मामी मैं तेरी हेल्प कर दूँ सब्जी कटवाण में। तो इतनी ये सब्जी थी, मैंने सोचा चल तू बना ले, मैं इतना और कुछ काम कर ले हूँ। तोरू की सब्जी बनाने की तैयारी करी थी लेकिन तोरू है वो सारी सूखी हुई निकली, फिर हमने सोचे घिया है वो मिक्स कर दें वहाँ, और 2-4 तोरू थी गणी तो कोनी थी, फिर हमने चेक भी कुन करी और वो निकले कड़ी फिर निकली। तो सब्जी वह ऐसी बनी कि खाई तो गई लेकिन वो टेस्ट को नहीं रहा, मोंटी पुरानी सब्जी चीरण लग रही थी। और फिर मैं आ गई थी अपना जो कपड़ा है वो फोल्ड करन, तो मेरा तय करने के स्टाइल देख लो एक बार, बड़ी बड़ी चादर है मैं यूं ही कर दिया करूँ तार की तार प्रति। और आज मैंने दिन में है बहुत सारे कपड़े धोए थे, सारे तो के थे, बेडशीट भी थी, टॉवल भी था, बाकी डेली यूज का सूट भी था और वैसे भी था, तो सारा कपड़ा मैंने धो दिया था। साइड में मैंने बेड भी खोला था तो साइड में कोट टंगा दिख रहा होगा वो था, वो बाहर ही रखा था, तो मेरा नहीं इसमें डस्ट वगैरह से वो ज़्यादा ही हो रही थी तो मैंने धोकर रख दिया था, किसी पॉलीथीन में डाल कर रखूंगी और ये बनाऊंगी मैं सब्जी। चलो तो फिर आपने लेके चलूं किचन में। अभी टाइम हो गया 6:15 बजे का और मैं आ गई हूं अपने किचन में केक बनाई थी, बस वही अपनी सब्जी रोटी है उसकी तैयारी करूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने फोन कर उन सब पूछा था कितना ही आ लिया किसी का लिया तुमने बताया से कि हम दार नोड़ा लिया। हाँ तो बस 8-10 बजे के आसपास है मैं आ लेगा, तो उसकी पहली बार रोटी सब्जी है वो बनाकर तैयार कर ली हूँ, चढ़ा दिया है मैंने कुकर। और सब्जी किसकी बना रही हूँ मैं, ये है सब्जी तोरू और घिया दोनों मिक्स करके बनाने लग रही हूँ, ये वाली तोरू है ये वाली घिया है, क्योंकि इतनी सब्जी थी, सब्जी तो घड़ी थी पर यूं है कि ना तो वे तोरू है और तीसरा और ना ये गिया तीसरा, तो मैंने मिक्स कर दिया और इनमें बना लू सब्जी। आपने देखा भी होगा खराब थी वो भी घड़ी निकल गई, चलो तो बना लू सब्जी। अरे शाम को अभी मैं पंच में भी मजाता समाधि।
टाइम हो गया था 6 बजे का। बाकी हमने सारा काम से वो कर लिया था। सब्जी है वो भी बना ली थी, बीच में 2 रुपये आ गया था, वो भी 5-7 मिनट घुल गई थी, तो वो भी देख लिया होगा आपने। खैर उसके बाद मैंने लगा लिया था आटा और बैठ गई थी चूल्हा कर रोटी बनाने खातर। मोंटी है वो मेरी हेल्प करवा देगी, लोई में बना के दे दूँगी तो वह बेल बेल देगी और सेक देगी। मैं चूल्हा में आँच है थोड़ी जल्दी लगा लूँगी और रोटी है वो जल्दी सी बन जाऊँगी। बाकी आपने आटा है वो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आटा की रोटी हमने आधा घंटा में बना ली थी। और आटा आपने थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई दे रहे होगे क्योंकि आपने बेरा ऐसे गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है, बालक घर आए हैं, छुट्टियां में मामा के बालक आए रहे हैं, तो बस टेस्ट टेस्ट में खा पी जावे। और यूं या करे कि कम नहीं रहनी चाहिए, बेशक ज़्यादा हो जाओ लेकिन कम नहीं रहनी चाहिए। जाती फिर हमने थोड़ा आटा है वो फालतू लगाना पड़ा ऐसे, वैसे रह भी जावे हैं 2-4 रोटी कई कई पर तो 5-7 भी रह जावे हैं। फिर यूँ करा करा बाहर जो कुत्ता काता रहा उसने भी डाल दे वहाँ, सुबह चिड़िया पक्षी वगैरह हैं उनने भी डाल दे वहाँ, तो बस हमारा आटा है वो जा कर का फालतू है। और हम बनावांगा चूल्हा के ऊपर रोटी, चूल्हा के ऊपर ज़्यादातर तो चूल्हा के ऊपर ही बनाया करा रोटी, बाकी बारिश बुरिश आ जाए वो अलग बात से कि गैस पे बनाओ, और इतना सारा आटा है वो गैस पे ना चूल्हा पे ही बनेगा। फिर चूल्हा पे यूँ अच्छी तरह पक भी जावे हैं, गैस पे कच्ची पच्ची रहे है वो मजबूरी वाला काम हो जाए गैस का। तो खैर फिर रोटी बनाता बनाता हो गया था, अंधेरा सा हो गया था और लास्ट में 5-7 रोटी थी वो मन ने बनानी थी, क्योंकि प्लांट में किसी और की रोटी जानी थी तो फिर वही से कि मोंटी की आडी टेढ़ी रोटी है थोड़ी अच्छी कौन लगेंगी बाहर, तो मैंने सोचा चल मैं बना ली उसी 5-7 रोटी है लास्ट वाली तो थोड़ी अच्छी लगेंगी। कोई हो बाहर अगर कुछ जा रहा है खाने पीने का लगा लो, बाहर की सकी रोटी जा रही है तो अच्छी होनी चाहिए, आडी टेढ़ी है वो ना होनी चाहिए। ऊपर बालक से भी खेलन लग रहे थे साइड में मयंकर, तो मारा थोड़ा थोड़ा ध्यान से पराने भी जाना लग रहा था। और रोटी बनाती बनाती हो गया था अंधेरा, बाकी हम बाट देखने लग रहा था उनकी और सोच रहा था माम मोंटी तो कह रही थी मामी कब से आवेंगे, वो मुझे बेटा भी 10 बजे पहले को नहीं आवे, लेकिन कह रही थी लगा लो सर तो 9:20 की गाड़ी है तो 9:30 बजे तक या 9 बजे तक तो आए लेवेंगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा बेटा को नहीं आवे मैं 10 बजे तक। खैर वो हमारी मामी बाणिया की बात से वो चालन लग रही हैं और रोटी है वो बनन लग रही थी। मोंटी है थोड़ी बहुत हेल्प करवा दिया करे सर यूँ ही से, बालक ने अगर थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए बालक कराती तो ये सीख भी जाएंगी अपना हेल्प से, अपनी हेल्प है वो भी हो जाएगी और इनका काम भी हो जाएगा, यानी कि आपा भी खुश और बालक भी खुश। खैर रोटी मारी बनगी से रोटी बना ली ने, क्योंकि आज से वो मना चित्र जला ली थी बाढ़ ली थी लगा ली थी किसे डाल भी लगा तो मैं कर दू जोर, बाकी देखिए वो कब तक आवे है। क्या क्या सब्जी को बताओ हाल सब्जी को हाल बताऊं। आज कर नया नया कान फूड आया था तो वो सुन है, आज हमारी बेबे नई नई काटन वाली थी, गिया थी और तोरू थी, तोरू भी 2-4 ही थी, कैक थी एक दो ही थी 2-4 भी नहीं थी एक दो तोरू थी और वो भी कड़ी थी, इसने चाखी को नहीं, मेरा भी ध्यान ना रही कहनी अगर बेटा चेक कर लिए ना, इसने चेक करी और ना मन्ने ध्यान दिवाई, अरे वह सब्जी से कड़ी खा लेगा मिठो गिर का अपना मिठो गिर को खा लूंगा मिठो गिर के खा लेगा बुरा गिर मन्ने तो चेक कर ली मन तो रोट रट खा ली वे को डाणी को डाणी ना भाई देखो अपन तो भूख लग रही थी सुबह खाई थी 8 बजे खा ली थी मैंने कहा 8 बजे पहले खाई थी, उसके बाद एक भी रोटी को खाई कुछ भी ना खाई एक तो ये, फिर मैंने सोची अपना रोटी राटी खा ली हूँ पाछ देखो के लेंच के ना फिर चेक करने में लग जाएगी बार अपा अपने पेट पूजा फिर काम दूजा, तो मैंने रोटी खाई तो हो कड़ी सब्जी मैंने इतना चाव करके बनायो प्याज टमाटर को अच्छा तड़को सो मारे अच्छा सूख लगायो हमने चेक ही कौन खरी। खैर 8:30 हो लिया सी अब तक तो आया ना सी शायद 8:10 पे 8:20 पे बता रही थी रेवाड़ी की ट्रेन चल लगी तो शायद 9:20 तक पहुंचेगा तो घर ही तो 9:30 पहुंचेगा
बाकी हम दोनों यहाँ और बाट देखने लग रहे हैं, कोई को नहीं, सारा अपने अपने काम जा रहे ऐसे हम दोनों मामी बाणी जी सा। और तब तो क्या करा, बस आज को लोग एंड करा है, फिर घना बड़ो हो जाओ क्योंकि आज मैंने घनी एक्टिविटी करी है, एक्टिविटी के सारा काम मन नहीं करा है, तो आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया से। चलो तो मिलांगा एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। नया व्लॉग भी बस शुरू करूंगी थोड़ी देर बाद भी आ जाऊंगा जब, ठीक है तो बाय।